हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रैक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सरफेस इंटीग्रल के कुछ और क्वेश्चंस के बारे में। इससे पहले एक वीडियो मैंने बना दिया है सरफेस इंटीग्रल पे, वहाँ हमने क्वेश्चन किया था एक प्लेन के बारे में। कोई ट्राइंगल कोई प्लेन हमें गिवन था 3D में, उसके लिए हमें सरफेस इंटीग्रल कैसे फाइंड करना है उस पर मैंने एक वीडियो बनाया था। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है कि कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी आ रहे हैं कि सर कौन सी वीडियो किस टॉपिक पर है, तो मैं क्लियर कर दूँ कि तीन बुक्स जो मैं एक साथ लेकर के चल रहा हूँ, एक तो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक या आप उसको ऑपरेशन रिसर्च या लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम भी कह सकते हैं, दूसरा वेक्टर कैलकुलस और थर्ड वन डिफरेंशियल कैलकुलस, और साथ साथ में कुछ पोर्शन मैट्रिक्स एलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स का भी मैं पुट कर रहा हूँ। तो ये तो सभी टॉपिक्स हैं जो वन बाय वन मैं लेकर चल रहा हूँ। तो आपको जो भी आपका रिलेटेड है, जो भी आप उससे रिलेटेड हो, जो भी आपके काम का है, वो प्लेलिस्ट में जा करके आप अपने अकॉर्डिंग उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं कि हमें सरफेस इंटीग्रल जो फाइंड आउट करना है वो करना है क्यूब का। आज के क्वेश्चन में सरफेस इंटीग्रल जो हमें फाइंड करना है वो करना है क्यूब के लिए। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं रिमाइंड करवाऊंगा आपको इससे पहले वाली वीडियो के बारे में। जब हमने प्लेन का क्वेश्चन किया था तो मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, कोई भी कर्व जिसका सरफेस कोई भी कर्व का अगर 2D में लाई करेगा तो उसके लिए यूनिट वेक्टर हम क्या लेंगे। या मैं ये कहता हूँ कि कोई भी कर्व अगर 2D में लाई करता है तो उसके लिए यूनिट वेक्टर क्या होगा, वो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। इसमें मैं फिर से बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि हमें यहाँ इस चीज़ का स्पेशल यूज़ करना है। देखिए, जब एन कैप यानी यूनिट वेक्टर हमें चाहिए, एन कैप की वैल्यू चाहिए हमें, कोई भी सरफेस 2D में लाई करेगा, 2D मतलब अगर एक्स और वाई एक्सिस में लाई करता है कोई भी सरफेस, कोई भी कर्व, तो उसके लिए यूनिट वेक्टर क्या होगा। यूनिट वेक्टर हम हमेशा लेते हैं के कैप, क्लियर है। वैसे वाई जेड में अगर लाई करता है तो उसके लिए यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, और एक्स जेड में लाई करेगा तो उसके लिए यूनिट वेक्टर होगा जे कैप। तो ये यूनिट वेक्टर होते हैं जिनका यूज होगा इन क्वेश्चन में। कैसे होगा देखें, करते हैं स्टार्ट आज का क्वेश्चन। शो दैट एफ वेक्टर डॉट एन कैप ds, यानी कि सरफेस इंटीग्रल पूछ रहा है। ये फार्मूला जो है सरफेस इंटीग्रल का ही है। अगर सरफेस इंटीग्रल गिवन है हमें तो हमें यही फार्मूला यूज करना होगा, और यहाँ फार्मूला गिवन है यानी हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो कि इसके इक्वल होनी चाहिए 3/2। हमें आंसर गिवन है, आंसर क्या होगा 3/2, और एफ वेक्टर जो वेक्टर फील्ड है वो हमें गिवन है 4xz i कैप नेगेटिव y स्क्वायर j कैप प्लस yz k कैप, दिस इज द एफ वेक्टर। अब जो सरफेस के नाम पे हमें जो वर्ड जो कर्व गिवन है, विच इज द सरफेस ऑफ द क्यूब बाउंडेड बाय द प्लेन्स, जो क्यूब है वो कुछ प्लेन से बाउंडेड है। कौन कौन से प्लेन से? x=0, y=0, z=0, x=1, y=1 एंड z=1। यहां प्लेन्स का मतलब एक क्यूब आपको मालूम है उसके कितने सरफेस होंगे, 6 फेसेस होंगे। कितने फेस होंगे क्यूब के? 6 फेसेस। उन 6 फेसेस को इसने प्लेन्स के नाम से कहा है, और जो कि कहाँ पे हैं, जो कि बाउंडेड है उन 6 प्लेन्स से, जो कि क्यूब है वो 6 प्लेन्स से बाउंडेड है। किस कहाँ कहाँ पर? एक x=0 के लिए, एक y=0 पे, एक z=0 पे, फोर्थ वन x=1, फिफ्थ y=1, z=1, दिस वन इज 6th फेस। देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं क्यूब की, क्यूब कैसा होगा। हमें मालूम है क्यूब के 6 फेसेस होते हैं, और वो कैसे होगा देखो, उसको अगर मैं ड्रॉ करूँ एक क्यूब को इस बोर्ड पे तो कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा। वो 6 फेसेस ऑफ द क्यूब, वी कैन शो दैट लाइक दिस, 6 फेसेस ऑफ क्यूब, क्लियर। तो ये 6 फेसेस आपको दिख रहे होंगे, मैं इनको कोऑर्डिनेट भी दे देता हूँ ताकि और क्लियर हो जाए कि ये 6 फेसेस एक्चुअल में है कौन कौन से। इन 6 फेसेस को मैं कुछ कोऑर्डिनेट दे देता हूँ, तो कोऑर्डिनेट से क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये 6 फेसेस यही हैं हमारे पास। तो फर्स्ट फेस जिसको मैं कोऑर्डिनेट दूंगा वो होगा ओ ए बी एंड सी, ओ ए बी एंड सी। अब थोड़ा सा इसको और यहाँ तक कर दें अगर हम, और इसको यहाँ से ज्वाइन करें तो ये एक सरफेस मिल जाएगा हमें। तो ओ ए बी सी एक फेस आपको ये नज़र आ रहा होगा, क्लियर है। इसके अलावा ए बी सी, अब यहाँ से देते हैं डी ई एफ एंड जी। तो ये सभी कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स जहाँ जहाँ भी आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं
वो सभी जगह से मैंने इनको कोऑर्डिनेट्स दे दिया। अब देखो फर्स्ट फेस आपको दिख रहा होगा ओ ए बी सी, ओनली ओ ए बी सी की ओर देखो जरा, ये फर्स्ट फेस है ओ ए बी सी ओ। सेकेंड फेस जस्ट इससे ऑपोजिट कौन कौन सा, डी ई एफ जी डी, डी ई एफ जी डी। मैं साथ साथ में यहाँ लिख भी देता हूँ जो सिक्स फेसेज है, कौन से सिक्स फेसेज, एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस, और क्यूब के लिए जब हम फाइंड कर रहे हैं इसको क्यूब के लिए तो इसके सिक्स फेसेज हैं। फर्स्ट फेस जो हम कंसीडर करेंगे एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस का, वो होगा ओ ए बी सी ओ, ओ ए बी सी ओ। सेकेंड फेस एफ वेक्टर डॉट एन कैप के लिए जो हम कंसीडर करेंगे जस्ट इससे ऑपोजिट डी ई एफ जी डी, डी ई एफ जी डी ई एफ जी अगेन डी। थर्ड फेस जो होगा हमारे लिए इस क्यूब के लिए, थर्ड फेस जो हम फाइंड आउट करेंगे वो लेते हैं हम ओ एफ जी ए ओ, ओ एफ जी ए ओ। फोर्थ फेस डबल इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस, और फोर्थ फेस जो लेंगे वो जस्ट इससे ऑपोजिट लेंगे हम, ये लेते हैं डी बी सी ई डी या बी सी ई डी बी, बी सी डी बी सी ई डी बी, ई डी बी, ठीक है। फिफ्थ फेस हम जो लेंगे वो ले लेते हैं हम एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस के लिए, कौन सा फेस रह सकते हैं हम, ओ सी ई एफ ओ, ओ सी ई एफ ओ। और लास्ट फेस जो सिक्स फेस होगा एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस के लिए, वो होगा ए बी डी जी ए, ए बी डी जी ए। तो स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे कि ये सिक्स टाइम एफ वेक्टर डॉट एन कैप मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि हमें तो सरफेस चाहिए कि किसका, इस कंप्लीट क्यूब का। अब ये जो कंप्लीट क्यूब है वो सिक्स पार्ट्स में डिवाइडेड है, सिक्स सरफेसेस से सिक्स फेसेस में डिवाइडेड है, तो उन सभी फेसेस का इंडिविजुअली हम सरफेस इंटीग्रल फाइंड करेंगे, और कंप्लीट सिक्स फेसेस को जब हम ऐड कर देंगे जैसे कि मैंने यहां शो किया, तो क्या आएगा, एक सरफेस आएगा किसका, क्यूब का। क्योंकि क्यूब किससे बना है, सिक्स फेसेस से, उन सिक्स फेसेस को मैंने इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लेना है यहां पे, और जैसे ही कैलकुलेट कर लेंगे उन सभी को ऐड कर देंगे तो एक क्यूब जो हमें गिवन है उसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका सरफेस हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। एक्सिस भी दे देता हूं मैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक है। तो अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं बात करता हूं एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस के बारे में। एफ वेक्टर हमें गिवन है, एफ वेक्टर क्या है हमें गिवन है, तो लिख देते हैं यहां पे गिवन क्या, एफ वेक्टर इज इक्वल टू फॉर एक्स जेड आई कैप माइनस वाई स्क्वेयर जे कैप प्लस वाई जेड के कैप। एफ वेक्टर तो हमें गिवन है, एन कैप यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर जैसा कि मैंने बताया कोई भी सरफेस किस डायमेंशन में जो है वो लाई कर रहे हैं उसके लिए हम यूनिट वेक्टर डिसाइड करेंगे। जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था अभी कि एक्स वाई में अगर लाई करेगा तो के, वाई जेड में करेगा तो आई, इसी तरह से हमें चेक करना होगा वन बाय वन इन सबके फेसेस को, कोई कौन सा फेस किस एक्सिस में लाई कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम एन कैप को एज्यूम करेंगे। और डी एस, डी एस क्या चीज़ है ये भी मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, जिन स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट्स इस वीडियो के लिए न्यू हैं वो पहले वाली वीडियो जरूर देखें सरफेस इंटीग्रल की, जहां हमने एक ट्रायंगल का एक प्लेन का क्वेश्चन किया था, उसमें मैंने डिस्कस किया था कि डीएस क्या होगा, डीएस की वैल्यू होगी या तो डीएक्स डीवाई, कब, जब वो एक्स वाई एक्सिस में लाई करेगा, डीवाई डीजेड लेंगे जब कोई भी फेस कोई भी सरफेस वाई जेड एक्सिस में लाई करेगा, और डीजेड डीएक्स लेंगे जब वो जेड एक्स में लाई करेगा। तो अभी हमें ये मालूम नहीं है कि कौन सा फेस कौन से कोऑर्डिनेट एक्सिस में लाई कर रहा है, तो जैसे भी वो लाई करेगा उसके अकॉर्डिंग हम उसकी वैल्यूज को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई एफ वेक्टर की वैल्यू। अब चलते हैं फर्स्ट फेस के लिए, हम इसको फाइंड करते हैं सरफेस इंटीग्रल किसका, फर्स्ट फेस का। और फर्स्ट फेस जो हमने यहाँ पे शो किया है वो क्या है, केस वन, हम इसको कुछ केसेस में कंसिडर कर लेते हैं। केस वन हम लिखते हैं अलोंग किसके, जो कि हमारे पास फर्स्ट है ओ ए बी सी ओ, इसके अलोंग हमें सरफेस इंटीग्रल हम फाइंड करते हैं, यानी कि इस फेस के अलोंग, कौन सा फेस, ये वाला जो आपको नजर आ रहा है, इस फेस के अलोंग हमें सरफेस इंटीग्रल फाइंड आउट करना है।
अब देखो सबसे पहले हमें तीन चीजें चाहिए, क्या चाहिए सॉल्व करने के लिए, हमें क्या चाहिए, एफ वेक्टर, एन कैप और डी एस। एफ वेक्टर तो क्वेश्चन में गिवन है, इस इक्वेशन में गिवन ही है, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर वन और इसे देते हैं इक्वेशन नंबर टू। तो इक्वेशन नंबर टू से एफ वेक्टर तो हमारे पास रहेगा ही रहेगा, हमें दो वैल्यूज और फाइंड आउट करनी है, कौन कौन सी, एन कैप एंड डी एस। एन कैप एंड डी एस दो वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए एन कैप क्या होगा, यूनिट वैक्टर, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, एन कैप यूनिट वैक्टर होगा, यूनिट वैक्टर उसके लिए होगा जो सरफेस, जो फेस जिस एक्सिस में लाई करेगा उसके लिए हम यूनिट वेक्टर सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए जरा, ये जो है सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ये जो फेस है ये लाई कहाँ कर रहा है, किस एक्सिस में लाई कर रहा है, यहाँ हमें ये चेक करना होगा क्या ये फेस आपको क्लियर है कि ये एक्स और वाई एक्सिस में लाई कर रहे हैं, क्या आप क्लियरली शो कर सकते देख सकते हैं इस चीज़ को, क्या ये फेस ओ ए बी सी ओ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो एक्स और वाई एक्सिस में लाई कर रहे हैं कुछ इस तरह से, ये फेस है जिसको मैंने ओ ए बी सी ओ कैलकुलेट किया है, ये एक्स और ये वाई, क्लियरली श्योर है। अब हमें ये तो पता चल गया कि ये जो फेस है, यहाँ लिख देंगे दिस फेस या दिस सरफेस और सरफेस लाइज इन एक्स वाई प्लेन। ये जो क्यूब का फेस है जिसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं ओ ए बी सी ओ, ये कहाँ लाई कर रहा है, ये एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है। अब जब एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है तो इसके लिए एन कैप हमारा क्या होगा, तो इसके लिए एन कैप इसके अकॉर्डिंग एक्स वाई के अगर हमारा कर्व लाई कर रहे हैं तो एन कैप क्या होना चाहिए, के कैप होना चाहिए, जैसे कि मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि एक्स वाई यूनिट वेक्टर क्या होगा, के कैप होगा। लेकिन यहां एन कैप की वैल्यू जो मैं लूंगा, के कैप तो होगा लेकिन वो होगा नेगेटिव माइनस के कैप। अब इसका क्या रीजन है कि अभी तो मैंने बताया कि एक्स वाई एक्सिस में अगर कोई भी सरफेस लाई करेगा, कोई भी कर्व लाई करेगा तो उसके लिए यूनिट वेक्टर के कैप होगा, लेकिन अब ये नेगेटिव कहां से आ गया, क्या रीजन इस नेगेटिव का। देखिए सिंपल सा, इसको मैं क्यूब मान लेता हूं, जैसे कि बोर्ड पे सिक्स फेसेस हैं, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, सिक्स फेसेस हैं, एक क्यूब की तरह ही काम करेगा ये भी। अब देखिए हमें क्या करना है, मैं किस चीज को यहां पे कौन से फेस को किसका सरफेस फाइंड कर रहा हूं, किस फेस का, ओ ए बी सी ओ का, मतलब कि यहां बैक साइड वाले फेस का, ओ ए बी सी ओ ये वाला है, इसको हम फाइंड कर रहा हूं मैं। अब यूनिट वेक्टर होता क्या है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर, किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन की ओर होता है। यूनिट वेक्टर कैसा होता है, क्या होता है, यूनिट वेक्टर किसी भी सरफेस के आउटवर्ड डायरेक्शन में उसके परपेंडिकुलर होता है। अब जब मैं इसको ऐसे कर दूं तो यूनिट वेक्टर इसका कहाँ हो गया, बैक साइड में हो गया, क्योंकि हम इस फेस को इवेल्युएट कर रहे हैं, बैक साइड वाले फेस को, इस फेस को बैक साइड वाले, इसको नहीं, इसके जस्ट बैक साइड वाले को। तो इसके लिए अगर ये यूनिट वेक्टर ये है तो अब यूनिट वेक्टर क्या होगा, बैक साइड की ओर जाएगा, दैट मीन्स कुछ इस तरह से यूनिट वेक्टर जाएगा इसका, इसका यूनिट वेक्टर कहाँ होगा, कुछ बैक साइड में होगा। अब इसकी जो डायरेक्शन है वो किसके ऑपोजिट है, जेड एक्सिस के, और जेड एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर क्या होता है, के कैप, और इसकी डायरेक्शन क्या है, इस जेड से ऑपोजिट है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए यहां आएगा नेगेटिव के कैप। ये चीज क्लियर है स्टूडेंट, नेगेटिव के कैप क्यों आया, तो एन कैप क्या आ गया, नेगेटिव के कैप, और एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहे हैं, सो वी नो दैट डी एस क्या होगा, डी एस होगा डी एक्स डी वाई अपॉन मोड ऑफ एन डॉट के, ये डी एस का फार्मूला होगा। लास्ट वीडियो में मैंने बताया भी हुआ आपको डी एस के फार्मूले के बारे में, तो डी एस का फार्मूला क्या हो जाएगा, डी एक्स डी वाई अपॉन एन डॉट के कैप। अब करना क्या हमें, हमें तो वैल्यू फाइंड करनी है एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस की, किसके लिए, इसी के लिए जो कि सरफेस हम फाइंड कर रहे हैं उसी के लिए। तो क्या होगा, देखिए डबल इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस, कौन सा सरफेस, ओ ए बी सी ओ, किसके इक्वल हो जाएगा, डबल इंटीग्रेशन एफ वेक्टर, ये रहा हमारे पास डॉट एन कैप, एन कैप का डॉट प्रोडक्ट है, एफ वेक्टर डॉट एन कैप, तो एन कैप कितना है, नेगेटिव के कैप, के का के के साथ ही होगा रिजल्ट, आई के साथ के का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, जे का के साथ जीरो हो जाएगा, के डॉट के क्या होगा वन, और नेगेटिव का मल्टीप्लीकेशन के साथ आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का वाई जेड, एफ वैक्टर का
एन कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, माइनस का वाई जेड। फिर साथ में फार्मूले में क्या आएगा, डीएस, डीएस हमारे पास क्या है, डी एक्स डी वाई अपॉन में मोड ऑफ एन डॉट के, तो एन कितना, नेगेटिव के, नेगेटिव के डॉट के कितना होगा, नेगेटिव वन, और नेगेटिव का मोड पॉजिटिव, तो अपॉन में क्या आ गया, पॉजिटिव वन। तो टोटल टर्म्स क्या रही, ये रही डी एक्स डी वाई। अब मल्टीपल इंटीग्रल की बात जब मैं करूं, मैंने इसका भी एक वीडियो बना दिया है, मल्टीपल इंटीग्रल भी मैं साथ साथ में लेकर चल रहा हूं डिफरेंशियल कैलकुलस में। मैंने उसमें ये बताया था कि डी एक्स डी वाई, जिसको मल्टीपल इंटीग्रल नहीं आता, डबल इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है, तो आप वो वीडियोज भी देख सकते हैं, वो बेसिक से स्टार्ट किया है, उसमें मैंने ये बेसिक बताया है कि डी एक्स अगर डी वाई हमारे पास है तो वाई और जेड में से जेड कभी भी नहीं आएगा। अगर डी एक्स डी वाई है तो एक्स आ सकता है एज ए वेरिएबल, वाई आ सकता है एज ए वेरिएबल, लेकिन जेड कभी भी नहीं आएगा। अगर जेड आ गया तो हमें उसको एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करना होगा इंटीग्रेशन करने के लिए, लेकिन हमें मालूम है जेड यहाँ कॉन्स्टेंट नहीं है, जेड यहाँ पर वेरिएबल है, हम इसको जेड को कॉन्स्टेंट ट्रीट कर ही नहीं सकते, और जब तक जेड कॉन्स्टेंट ट्रीट नहीं होगा तो इनका इंटीग्रेशन होना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हमें इस जेड की वैल्यूज पुट करनी होगी, जेड की वैल्यू पुट करनी होगी, और जेड की वैल्यू कहाँ से पुट होगी, उसी सरफेस से जहां वो लाई कर रहे हैं। अब ये फेस कहां लाई कर रहे हैं, ये जो फेस है, यानी ये जो फेस है, ये जेड एक्सिस को कहां टच कर रहे हैं, क्या बता सकते हैं, ये जेड एक्सिस है, तो ये जेड एक्सिस को कहां टच कर रहे हैं, ओरिजिन पे कर रहे हैं, ओरिजिन पे करेगा ना, ये ओरिजिन तो ओ, तो इसकी डिस्टेंस जेड एक्सिस से कितनी है, कोई डिस्टेंस नहीं है, ये जेड एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहा है, जीरो जीरो पे टच कर रहा है, तो इसका मतलब यहां जेड क्या होगा, हियर जेड इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि पर्टिकुलर हम इस सरफेस की ही बात कर रहे हैं, ये जो फेस है ये जेड एक्सिस पे कितनी डिस्टेंसेस की, जीरो, क्योंकि जेड एक्सिस को टच कर रहा है ओरिजिन पे, इसका मतलब जेड की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, जीरो। तो इसके लिए जेड की वैल्यू जब जीरो पुट करेंगे तो इसका जो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, जीरो। समझ में आ गया आपको, फर्स्ट सरफेस, फर्स्ट फेस का सरफेस इंटीग्रल जब हमने फाइंड किया तो उसका आंसर आया है जीरो, क्योंकि जेड के लिए इसकी डिस्टेंस जीरो है, जेड एक्सिस को ओरिजिन पे ये फेस टच कर रहे हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं सेकंड के लिए, अगर कुछ थोड़ा बहुत नहीं समझ में आया तो सेकंड से थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, कोशिश कीजिए। देखिए सेकंड, केस सेकंड, केस सेकंड हमें क्या कहता है, केस सेकंड कहता है अलोंग डी ई एफ जी डी, डी ई एफ जी डी, ये कौन से फेस की बात हो रही है, ये फेस की बात हो रही है जो अभी हमने की है इससे जस्ट ऑपोजिट, इसके सामने वाला कौन सा, जी डी ई एफ जी, जी डी ई एफ जी, या मैं ये कहूं कि अभी हमने किसकी बात की थी, अगर ये फेस है, ये क्यूब है, अभी हमने इसके बैक साइड वाले फेस की बात की थी, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्रंट, जस्ट फ्रंट की। तो इसके लिए अब हमें एन कैप और डी एस फाइंड आउट करना है। देखिए सबसे पहली बात, ये जो फेस है ये कौन से एक्सिस में लाई कर रहे हैं, क्या ये भी एक्स वाई में लाई कर रहे हैं या किसी और एक्सिस में लाई कर रहे हैं, बता सकते हो आप, ये जो फेस है फ्रंट ये कौन से एक्सिस में लाई कर रहे हैं, एक्स वाई में, वाई जेड में, जेड एक्स में, या तीनों में, एक्स वाई जेड तीनों में, बता सकते हैं आप। देखिए अभी हमने ये जो फेस किया था ये तो क्लियरली हमें शो हो रहा था, ये वाला किस में लाई कर रहे हैं, एक्स और वाई में, तो जब ये एक्स और वाई में लाई कर रहे हैं, यानी ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, तो ये जब x और y में लाई कर रहा है तो इससे पैरेलल ही तो है ये सरफेस, ये सरफेस के पैरेलल ये सरफेस है, अगर ये x y में लाई कर रहा है तो ये भी तो x और y में लाई करेगा, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस अगर है तो दोनों फेस कहाँ लाई कर रहे हैं, ये और ये, चाहे इसको ऐसे कर दो चाहे इसको ऐसे कर दो, दोनों फेस x और y एक्सिस में ही तो लाई करेंगे, तो इसमें कोई दोराई नहीं है, ये तो आपको बोर्ड पे कर्व बनाए तो आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ अजीब है, लेकिन एक्चुअल में ये दोनों पैरेलल है, ये तो हमें मालूम है पैरेलल है तभी तो आमने सामने है दोनों, और ये दोनों अगर आपने सामने कब है, क्योंकि सेम एक्सिस में लाई कर रहे हैं इसीलिए ये पैरेलल है। अब बात करते हैं इसके लिए एन कैप, इसका मतलब ये होगा कि ये एक्स वाई में लाई करेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब बात करते हैं यूनिट वैक्टर की, एन कैप की। अब जब हम इस सरफेस के बारे में बात कर रहे हैं, फ्रंट सरफेस के बारे में, तो यूनिट वैक्टर क्या होता है, इसके पैरेलल आउटवर्ड डायरेक्शन की ओर होता है यूनिट वेक्टर। अब जब ये सरफेस है, अगर मैं इसको इस तरह से कर दूं जैसे कि बोर्ड पे हमें नजर आ रहा है, तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, आउट इसके परपेंडिकुलर
आउटसाइड जो भी है यूनिट वेक्टर कुछ इस तरह से होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा आउटवर्ड डायरेक्शन की ओर कुछ यहाँ पे, यानी जब मैं इसको बोर्ड पे शो कर पाऊंगा तो मैं कुछ इस तरह से करूंगा आपकी बार, इसका जो यूनिट वेक्टर होगा फ्रंट का वो कुछ इस तरह से होगा, इस डायरेक्शन में होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर होगा वो कुछ इस तरह से शो होगा, अगर मैं इसको यूं कर दूंगा तो कुछ इस तरह से शो होगा सामने, जो कि जिसकी डायरेक्शन किसके अलोंग है, जेड एक्सिस के अलोंग ही है, जिसकी डायरेक्शन जेड एक्सिस के अलोंग ही है। कर्व लाइक इसमें कर रहा है एक्स वाई में, तो एन कैप हमें पता चलना चाहिए कि के कैप तो होगा ही होगा, लेकिन हमें यह फाइंड करना है कि वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, तो उसके लिए उसकी डायरेक्शन हमें चेक करनी होगी। डायरेक्शन क्या है, जेड एक्सिस के अलोंग है, अगर जेड एक्सिस के अलोंग ही है तो अब की बार एन कैप क्या हो जाएगा, इसके लिए पॉजिटिव के कैप हो जाएगा। जैसे ही कर्व एक्स वाई एक्सिस में आ गया तो हमारी बात, हमारे लिए ये चीज़ श्योरिटी है कि यूनिट वेक्टर के कैप होगा, लेकिन विद नेगेटिव साइन होगा या पॉजिटिव के कैप होगा, ये हमें उसकी डायरेक्शन बताएगी यूनिट कैप की, यूनिट वेक्टर की। अगर डायरेक्शन ऑपोजिट है किसी एक्सिस के तो नेगेटिव आएगा, अगर उसी के अलोंग है तो पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर एन कैप की वैल्यू क्या आएगी, एन कैप की वैल्यू आएगी के कैप। डीएस तो सेम रहेगा क्योंकि एक्स और वाई एक्सिस में जब भी लाई करेगा कर्व डीएस सेम रहता है। तो अब की बार देखिए जरा, अब की बार जब एफ वैक्टर डॉट एन कैप डीएस की मैं बात करूंगा किसके लिए, डी ई एफ जी डी के लिए, तो एफ वेक्टर डॉट एन कैप वाई जेड के कैप का, के कैप के साथ फिर से मल्टीप्लिकेशन, तो अब की बार क्या आएगा पॉजिटिव वाई जेड, तो ये नेगेटिव बढ़ जाएगा, क्या है पॉजिटिव वाई जेड। डी एक्स डी वाई आएगा ही आएगा क्योंकि डी एस वापस वही है, डी एक्स डी वाई है। अब ऑन एन डॉट के कैप डॉट के कैप वन हो गया, वन का वैसे ही मोड वन होता है, तो वाई जेड डी एक्स डी वाई आ गए। अब फिर से हमारी प्रॉब्लम वापस वही है, क्या डी एक्स डी वाई यानी एक्स और वाई के रिस्पेक्ट अगर इंटीग्रेशन हो रहा है तो जेड कभी भी नहीं आना चाहिए। अब जेड कभी भी नहीं आना चाहिए का मतलब जेड की वैल्यू हमें पुट करनी होगी। अब ये जो कर्व है ये जेड को कट कर रहा है कितनी डिस्टेंस पे, ये देखो एक्स वाई जेड तो जीरो जीरो से एक्स वाई जेड वन वन है, यानी ये डिस्टेंस क्या है जीरो जीरो वन, ये क्या डिस्टेंस है वन जीरो जीरो, और वाई के लिए भी डिस्टेंस कितनी है जीरो वन जीरो, डिस्टेंस हमें गिवन है क्वेश्चन में। तो ये जो फेस है जिसकी फ्रंट फेस जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ डिस्कस कर रहे हैं, ये फेस जेड एक्सिस को ओरिजिन से वन डिस्टेंस पर कट कर रहे हैं, यानी इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ पे जेड की जेड से वो क्या है वन है, वन एक्सिस सॉरी वन कोऑर्डिनेट पॉइंट पर इसको कट कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ जेड की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे वन पुट करेंगे, क्लियर है, क्योंकि ये वन डिस्टेंस पर जेड एक्सिस को कट कर रहे हैं, तो यहाँ जेड की वैल्यू कितनी आ गई वन आ गई। जैसे हम जेड की वैल्यू वन पुट कर देंगे तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व, ये इंटीग्रेशन किस में चेंज हो जाएगा डबल इंटीग्रेशन वाई डी एक्स डी वाई में होगा चेंज। अब अगर डी एक्स डी वाई में चेंज हो गया वाई डी एक्स डी वाई, अब हमें क्या करना होगा इस इंटीग्रेशन को सॉल्व भी करना होगा। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमें लिमिट्स भी चाहिए एक्स और वाई की, तभी तो सॉल्व होगा। एक्स और वाई की लिमिट क्वेश्चन में गिवन हमें, सभी एक्स वाई जेड कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं लोअर लिमिट जीरो से, अपर लिमिट सबकी क्या है वन गिवन है, तो हम पुट कर देते हैं लिमिट ऑफ एक्स वन लिमिट ऑफ वाई इज आल्सो वन। इंटीग्रेशन कर दें, सबसे पहले वाई के रिस्पेक्ट कर देते हैं हम इंटीग्रेशन, तो जब वाई के रिस्पेक्ट इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या आएगा वाई स्क्वेयर बाई टू, तो वन बाई टू जीरो से वन वाई स्क्वेयर जीरो से वन डी एक्स ये आएगा, आएगा ये। अब इसको भी फर्दर इंटीग्रेशन कर दें हम इसका भी, तो क्या आया देखो y की जगह जब 1 पुट करेंगे तो 1 ही आया तो 1 बाई टू, और dx का इंटीग्रेशन करेंगे x, x की जगह भी जब 1 पुट करेंगे तो 1 ही आया, तो टोटल इसका आंसर क्या आएगा, टोटल इसका आंसर आएगा 1 बाई टू। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 1 बाई टू सेकेंड पोर्शन का, क्लियर है यहाँ तक स्टूडेंट्स। अब इसी तरह से हमें थर्ड पोर्शन फाइंड आउट करना है इसी का, थर्ड पोर्शन देखिए जरा हमारे पास क्या आ रहा है, थर्ड पोर्शन है ओ एफ जी ए ओ, ओ एफ जी ए ओ, ओ एफ जी ए ओ, तो थर्ड पोर्शन केस थर्ड हम करते हैं, तो केस थर्ड के लिए अलोंग ओ एफ जी ए ओ। अब देखिएगा स्टूडेंट ये कौन सा फेस है, ये कौन सा फेस है, ये फेस है ये वाला O F G A O, ये x एक्सिस ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। अब आपको क्या नजर आ रहा है,
ये कौन कौन सी एक्सिस में ये फेस लाई कर रहे हैं, ओ एफ जी ए ओ, ये कौन कौन सी एक्सिस में लाई कर रहे हैं, ये फेस लाई कर रहे हैं एक्स और जेड एक्सिस में। तो यहां पे अब कौन सा प्लेन हो जाएगा, कौन सी एक्सिस हो जाएगी, दिस सरफेस लाइज इन एक्स एंड जेड प्लेन, एक्स और जेड एक्सिस कुछ भी लिख सकते हैं आप, एक्स एंड जेड प्लेन और एक्स एंड जेड एक्सिस, ठीक है। अब इसके लिए सबसे पहले तो डीएस चेंज हो जाएगा। डीएस चेंज क्या होगा, देखो डीएस में वाई की जगह जेड आ गया, अब तो डीएक्स डी जेड अपॉन में एन डॉट क्या आ जाएगा, एक्स और जेड के लिए क्या होता है आई और के, क्या रह गया जे, तो एन कैप कितना आ जाएगा, अब यहां पे एन कैप नहीं सॉरी, फार्मूला डीएस का हो जाएगा डीएक्स डी जेड अपॉन एन डॉट जे कैप। अब हमें क्या वैल्यू फाइंड करनी है, के कैप की वैल्यू फाइंड करनी है, के कैप यानी एन कैप यानी हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एन कैप की, एफ वेक्टर गिवन है, एफ वेक्टर तो वही रहेगा सभी केसेस के लिए, डीएस हमने फाइंड कर लिया क्योंकि हमें ये क्लियर होगा एक्स और जेड एक्सिस में कोई कर्व लाई कर रहे हैं, और एक्स और जेड में कोई भी कर्व लाई करेगा उसके लिए डीएस का फार्मूला ये होगा, आपको याद ही रखना है डीएस का फार्मूला, इसमें कुछ चेंज ही नहीं है। अब बात करते हैं यूनिट वैक्टर की, एन कैप की यूनिट वैक्टर, ये फेस है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो यूनिट वैक्टर हमें ये मालूम है एक्स और जेड प्लेन में लाई कर रहे हैं, एक्स और जेड प्लेन का मतलब यूनिट वैक्टर क्या होगा, जे कैप होगा। अब हमें ये चेक करना है कि यह नेगेटिव होगा या ये पॉजिटिव होगा, तो देखो यूनिट वेक्टर क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन की ओर होगा, इस तरह से होगा, जो कि वाई के ऑपोजिट है, क्योंकि वाई के लिए यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे कैप होता है, तो इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो यहां पे क्या आएगा, माइनस का जे कैप आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, कोई डाउट हो तो आप कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोशिश करूंगा फिर से उसको आपको बताऊं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको, आपका सोल्यूशन क्या होगा, तो वो आपको जरूर बताऊंगा, कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। तो एफ वेक्टर डॉट एन कैप किसके लिए हम फाइंड कर रहे हैं, ओ एफ जी ए ओ के लिए। अब देखिए इसमें हमारी ये वैल्यू चेंज होंगी, क्यों, ये सारी वैल्यूज फिर से लिखनी होगी हमें, क्योंकि हमारे पास फार्मूला क्या है, एफ वेक्टर डॉट एन कैप, एफ वेक्टर डॉट एन कैप, एन कैप क्या है, माइनस का जे कैप, एफ वेक्टर का जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट जब होगा तो जे डॉट जे वन नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, तो ओनली कितना आ गया, ओनली आएगा वाई स्क्वेयर विद पॉजिटिव साइन, क्योंकि जे डॉट जे वन नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव वाई स्क्वेयर। अब क्या आएगा फार्मूला अकॉर्डिंग, एफ वेक्टर डॉट एन की वैल्यू आ गई वाई स्क्वेयर, अब क्या रहेगा डीएस, डीएस हमारे पास क्या है, डी एक्स डी जेड अपॉन में एन डॉट जे, एन कैप क्या है, जे कैप है, माइनस जे डॉट जे माइनस वन का मोड पॉजिटिव वन, तो वाई स्क्वेयर डी एक्स डी जेड। अब देख लीजिए फिर से डी एक्स डी जेड है तो क्या नहीं आना चाहिए, अब की बार वाई नहीं आना चाहिए, क्योंकि वाई तो वेरिएबल है और हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि वाई वेरिएबल है, हम इसको एक ही कंडीशन में सॉल्व कर सकते हैं इस मल्टीपल इंटीग्रल को, अगर हम वाई को कॉन्स्टेंट ट्रीट करें, जबकि वाई कॉन्स्टेंट कभी भी नहीं होगा। क्लियर है ये स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि वाई कॉन्स्टेंट क्यों नहीं होगा, यहाँ क्या दिया हुआ है, तो वैसे सिंपल सी बात है, वाई कांस्टेंट अगर हो गया तो हम जो डी वाई लेकर चल रहे हैं तो वो तो जीरो हो जाएगा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने डी एक्स डी वाई लिया था तो डी वाई तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई और वाई कांस्टेंट है तो वाई जीरो, अगर वहां जेड को कांस्टेंट लेते तो डी जेड जीरो हो जाता, तो कांस्टेंट तो है ही नहीं, वेरिएबल है, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, तो वाई स्क्वायर डी एक्स डी जेड। अब या तो वाई की, अब एक ही हमारे पास ऑप्शन है, y की वैल्यूज को पुट करना है, अब वो कौन देगा, यही कर्व देगा, ये कर्व y एक्सिस को कहां टच कर रहा है, देखो ये कर्व, ये कंप्लीट कर्व ऐसा है, ये y को कहां टच कर रहा है, ओरिजिन पे कर रहा है, जीरो 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 पे, तो यहां पे y की वैल्यू क्या है, हेयर y इज इक्वल टू जीरो, अगर y की वैल्यू जीरो हम पुट करेंगे तो कंप्लीट इंटीग्रल का आंसर कितना आ गया, जीरो आ गया, तो इसका आंसर भी क्या हो गया, जीरो। सिमिलरली फोर्थ, इसका फोर्थ पार्ट, केस फोर, फोर्थ केस के लिए, फोर्थ केस के लिए हमारे पास अलोंग क्या रह गया, बी सी ई डी बी, इसके लिए हमें इवेल्युएट करनी है वैल्यू। अब देखिए बी सी, ये वाला बी सी ई डी बी, ये कहां लाई करेगा, जो जहां पे ये कर्व लाई किया, क्योंकि इसी के तो पैरेलल, इसी के तो पैरेलल है, तो अगर ये एक्स जेड में लाई कर रहा है तो ये कर्व भी एक्स जेड में लाई करेगा, ये भी
एक्स जेड प्लेन में ही लाई करेगा क्योंकि इसी के पैरेलल है, क्लियर है। एन कैप अब की बार क्या होगा, एन कैप अब की बार क्योंकि इसकी जो यूनिट वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन कुछ आउटवर्ड डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर, और वो किसके अलोंग है, वाई एक्सिस के, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। एन कैप क्या होगा, पॉजिटिव जे कैप। डी एस सेम रहेगा क्योंकि एक्स और जेड में लाई कर रहे हैं, तो अब यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, इतना चेंज आएगा क्योंकि जे और जे वन, जे डॉट जे वन, वन इंटू माइनस वाई स्क्वायर, माइनस का वाई स्क्वायर। डी एस है तो डी एक्स डी जेड, तो डी एक्स डी जेड। अब फिर से वाई की वैल्यू में पुट करनी होगी। अब की बात चेक करो, ये वाई को कहाँ कट कर रहे हैं, ये वाई को कहाँ पे कट कर रहे हैं, यहाँ पे, और यहाँ वाई का कोऑर्डिनेट कितना है, वन, तो इसका मतलब यहाँ वाई अब जीरो नहीं होगा, यहाँ वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। पुट द वैल्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू वन। जब वाई की वैल्यू यहाँ वन पुट करेंगे तो देखिए डबल इंटीग्रेशन क्या बनेगा, माइनस डबल इंटीग्रेशन डी एक्स डी जेड। एक्स और जेड की लिमिट्स हमें पुट करनी है, एक्स और जेड की लिमिट्स क्वेश्चन में गिवन ही है सभी के लिए सेम, जीरो से वन, तो पुट कर देते हैं अगेन, जीरो टू वन, जीरो टू वन। इंटीग्रेशन करेंगे सबसे पहले जेड का कर लीजिए, जो लास्ट में होता है वैसे तो हम उसको पहले इंटीग्रेट करते हैं। अब यहाँ पे x और z किसी को भी कर लो क्योंकि दोनों की लिमिट्स कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो dx का इंटीग्रेशन पहले करो dz का, आपका आंसर क्या आएगा, वन ही आने वाला है, नेगेटिव वन। dz का इंटीग्रेशन z, z की जगह लिमिट्स पुट करेंगे वन, तो क्लियर। फिर dx, dx का इंटीग्रेशन x, x को अगेन पुट करेंगे वन, दैट इज वन, नेगेटिव बार चले जाए हमारे पास, तो इस फोर्थ पार्ट का आंसर आएगा नेगेटिव वन। अब चलते हैं फिफ्थ केस की ओर, अलोंग केस नंबर फाइव। तो केस नंबर फाइव, अलोंग ओ सी ई एफ ओ, ओ सी ई एफ ओ, तो ये केस नंबर फाइव। अब इसके लिए देखिए जरा ये कर्व कहां लाई कर रहे, एक्चुअली ये कर्व कहां लाई करेगा, ओ सी ई एफ ओ, कौन सा कर्व है, सबसे पहले तो ये वाला, ये फेस ओ सी ई एफ ओ, अगर मैं इसको यहां शो करूं तो ये कर्व कुछ इस तरह से है, ओ सी ई एफ और ओ, ये वाला कर्व है, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस, तो ये कर्व। अब ये कर्व आपको क्लियरली शो हो रहा है कहां पे है, वाई जेड एक्सिस में। अगर ये yz एक्सिस में, तो हम यहां लिख देंगे दिस फेस ऑफ और सरफेस लाइज इन yz एक्सिस। yz एक्सिस के लिए हमारा यूनिट वेक्टर क्या रहता है, yz एक्सिस में हमारा यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, तो ये हो जाएगा आई कैप। लेकिन हमें ये चेक करना है कि अच्छा ds का फार्मूला क्या हो जाएगा, ds का फार्मूला होगा dy dz डी जेड अपॉन एन डॉट आई, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है कि इसका जो यूनिट वेक्टर है वो आई कैप जो है पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो देख लेते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन की ओर होगा जो कि ऑपोजिट है किसके, एक्स एक्सिस से, तो ये क्या आएगा, माइनस का आई कैप आएगा। तो इसको थोड़ा सा जल्दी कर देता हूं मैं क्योंकि पहले वाले काम हमने कर चुके हैं। तो एफ वेक्टर डॉट एन कैप ओ सी ई एफ ओ, एफ वेक्टर डॉट एन कैप आई डॉट आई वन, नेगेटिव यहां आ जाएगा, डबल इंटीग्रेशन फोर एक्स जेड डी वाई डी जेड। अब डी वाई डी जेड है तो एक्स तो नहीं आना चाहिए, और ये एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहा है, फिर से क्या पुट होगा यहाँ पे, हेयर एक्स इक्वल टू जीरो, अगर एक्स इक्वल टू जीरो यहाँ पुट हो गया तो इसके होते ही ये सारी वैल्यू फिर से जीरो हो जाएगी क्योंकि एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे कट कर रहा है। अब लास्ट केस की बात करें जो इससे ऑपोजिट है, कौन सा, ए बी डी जी ए, क्या चेंज होगा, एक तो चेंज होगा ये पॉजिटिव आएगा आई कैप लास्ट केस के लिए, दूसरा यहां यहां आपकी बारी क्या होगा, अगर ये पॉजिटिव आया आई कैप तो ये टर्म्स पॉजिटिव हो गए क्योंकि आई डॉट आई वन फॉर एक्स जेड डी वाई डी जेड, और यहां पे एक्स नहीं आना चाहिए, एक्स को यहां पे कहां कट कर रहा है, एक्स को वन डिस्टेंस पे, तो यहां पे एक्स क्या होगा, वन होगा लास्ट केस के लिए। जब एक्स को वन पुट करेंगे तो टर्म्स क्या आएगी, डबल इंटीग्रेशन फोर जेड डी वाई डी जेड। अब डी वाई डी जेड इंटीग्रेशन करना होगा, लिमिट्स हमें क्वेश्चन में गिवन है, लिख देना आल्सो लिमिट्स गिवन एक्स टेंस टू एक्स इक्व टू जीरो टू वन एंड आल्सो वाई वेरीज फ्रॉम वाई इक्व टू जीरो टू वन। करते हैं इंटीग्रेशन सबसे पहले जेड के लिए, तो जब जेड के लिए करेंगे जेड का इंटीग्रेशन क्या होगा, जेड स्क्वायर बाई टू, उस टू से फोर कैंसिल होकर कितना रह जाएगा टू, जीरो से वन, और क्या रहेगा
डी वाई 4 बार आया, जेड का इंटीग्रेशन किया, जेड स्क्वेयर बाई 2, जेड की जगह 1 पुट किया, 1/2, 4/2 का मतलब 2, 0 से 1, डी वाई और डी वाई का इंटीग्रेशन करें तो वाई दैट इज 2। तो यानी इसका जो लास्ट हमारा आंसर आ गया वो आ गया 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 1/1 जिसको सभी के आंसर आ गए, सभी का एडिशन में है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सभी आंसर को हम ऐड कर देते हैं। तो जब सभी आंसर को हम ऐड करेंगे तो क्या आंसर आना चाहिए हमारा, हमारा आंसर आना चाहिए 3/2। चेक कर लेते हैं, तो 0 + 1/2 + 0 - 1 + 0 + 2 कितना आया, 1/2 + 1 दैट इज 3/2 आ रहा है, 3/2। तो ये हमारा आंसर प्रूफ हो गया, जो हमें शो करना था हमने कर दिया। तो क्यूब, कोई भी क्यूब, कैसा भी क्यूब आपको दिया हो, सरफेस इंटीग्रल आपको फाइंड करना हो, तो सभी केस सेम रहेंगे, बस चेंज क्या आएगा आपके सभी क्वेश्चंस में, दो चीज़ें चेंज होंगी, एक तो एफ वेक्टर की वैल्यू आपकी चेंज कर सकता है क्वेश्चन में, दूसरा ये लिमिट चेंज कर सकता है, हो सकता है कि आपको x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 0 से a दे दें, हो सकता है कि 0 से b दे दें, हो सकता है कुछ भी, एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 से ए बी सी दे दें, एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0 जेड इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू ए वाई इक्वल टू बी जेड इक्वल टू सी, लेकिन लेकिन मेथड आपको यही करना है, आपको सभी जब भी क्यूब का क्वेश्चन आएगा आपके पास, आपको उसे 6 फेसेस में डिवाइड करना है, 1/1, दो फेस एक्स वाई में लाई करेंगे, दो फेस वाई जेड एक्सिस में लाई करेंगे, दो फेस जेड एक्स एक्सिस में लाई करेंगे। एक्स वाई के लिए यूनिट कैप क्या होता है, के कैप, एक बार नेगेटिव होगा एक बार पॉजिटिव होगा, वैसे वाई जेड के लिए यूनिट वेक्टर क्या होगा, आई कैप, फर्स्ट टाइम नेगेटिव सेकंड टाइम पॉजिटिव, अगेन एक्स एंड जेड के लिए यूनिट वेक्टर विल बी जे कैप, वन टाइम नेगेटिव वन टाइम पॉजिटिव, अकॉर्डिंग टू लिमिट्स, जो आपको लिमिट्स गिवन हो पुट कीजिए, ऐड कीजिए, जो चाहिए वो आपका आंसर आ जाएगा, अगर आपकी मिस्टेक नहीं है तो। ठीक है स्टूडेंट, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, पूरी कोशिश रहेगी उसको क्लियर कर दें, बने रहिएगा इसी तरह से इस YouTube चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, या तो डिफरेंशियल कैलकुलस की, या फिर ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक या ऑपरेशन रिसर्च के, यूवी मेथड जो हमारा चल रहे हैं, मोदी मेथड, उसके लिए।